तुम यहाँ से जाओ तो भागो, नहीं जा रहा तुम एकदम यहाँ से भागो। गिरिराज सिंह का आग बबूला होता ये वीडियो बिहार के कटिहार से आया है, पर क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा, हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। तुम यहाँ से जाओ तो भागो, मैं जा रहा हूँ, तुम एकदम यहाँ से भागो। अपने दो दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण और मनरेगा पार्क को देखने निकले थे। इसी दौरान इंतजार कर रही जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ में प्रस्तावित कार्यक्रम दीदियों की टोली ने मंत्री जी को रुकने की बात कही। वैसे मंत्री जी को इस जगह के कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। फिर मंत्री जी जीविका दीदियों से सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ और आमदनी को लेकर जानकारी लेने लगे, लेकिन जीविका दीदियों के जवाब से वो असंतुष्ट थे। गिरिराज सिंह मौके पर मौजूद डीपीएम को डीएम को बुलाने को कहने लगे। कार्यक्रम स्थल पर बगैर कार्यक्रम की जानकारी के रुके मंत्री जी डीपीएम को वहां से भाग जाने की फटकार लगाते दिखे। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने वहां मौजूद डीपीएम को ये भी कहा कि उनके जैसे बदतमीज ऑफिसर्स के कारण ही दुर्दशा है जीविका दीदियों की, इसी वजह से इन लोगों की आमदनी भी नहीं बढ़ रही है। ये कहते हुए मंत्री जी कार्यक्रम स्थल से अंदर आ गए और उनके पीछे पहुंची जिला प्रशासन की टीम। तुम यहाँ से जाओ तो भागो, मैं जा रहा हूँ, तुम एकदम यहाँ से भागो। मौके पर जब कटिहार के डीएम और डीडीसी पहुंचे तो मंत्री जी ने दोनों से वहां के कार्यक्रम की जानकारी लेनी शुरू की, लेकिन अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होते ही मंत्री जी ने कहा कि बिना तय कार्यक्रम की जानकारी के वहां उन्हें बुलाकर बेइज्जत करना चाह रहे हैं, और दोनों अधिकारियों की भी उन्होंने क्लास लगा दी। या तो हमको बेइज्जत कराना चाहते थे या आपका मिस मैनेजमेंट, क्यों जब हम जा रहे थे तो क्या बात हुई वहाँ, जब सीधे मखाना देखने जाएंगे, यही दो प्रोग्राम था, एक मनरेगा पार्क का था, एक तो डीपीएम को बर्खास्त की थी, उसके अगेंस्ट में। मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके, लगे हाथ जिला अधिकारी और उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को जीविका के डीपीएम को बर्खास्त करने का आदेश भी दे दिया। डीएम उदयन मिश्रा ने डीपीएम के खिलाफ ऐसा करने का तुरंत मंत्री जी के आदेश को स्वीकार कर लिया, और तब जाकर मंत्री जी का तमतमाया हुआ गुस्सा शांत हुआ। आप लोगों को पैसे की कोई जरूरत नहीं जरूरत है ना, मैं यही कह रहा हूँ, सारे जो ब्लॉक लेवल पर प्रोजेक्ट मैनेजर वही जो और आप क्या, ये प्रोग्राम आप क्यों नहीं जो डीएम के यहाँ जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए तो यहाँ कैसे हुआ। मैं इतना ही कहूँगा, इन लोगों की आमदनी 1,00,000 रुपया जब तक नहीं होगा मैं आप लोगों के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। दीदियों से बात हो गई तो दीदी से बात करनी है, तो 1,00,000 रुपया आमदनी चाहते, आप पैसा खाते हैं सरकार, आपको ड्यूटी दिया है कि आप इनकी आमदनी 1,00,000 कराएं, यानी 10,000 रुपया महीना करें, ये बना लेंगे तो मैं बिना प्रोग्राम का आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा कि केवल सरकार का पैसा सरकार से अपना प्रोग्राम कर लिए, इनकी आमदनी बढ़ाओ, उसके प्रोजेक्ट बनाओ कि 1,00,000 रुपया दीदी की आमदनी कैसे होगी, ये जब होगा तो मैं आपके साथ। सर कुछ समय के लिए समय दिया जाए, सर रिक्वेस्ट है सर, सर कुछ समय दिया जाए सर, तो नहीं हो जाएगी। बहुत बदलाव आया है।
गिरिराज सिंह के गुस्से पर आपका क्या कहना है? क्या उन्होंने जो किया वो सही था? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट। आप देख रहे थे बिहार तक, मैं हूं मानसी, और बिहार से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।